औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत सरसा नदी में उद्योगों द्वारा छोड़े गए प्रदूषित पानी से हजारों की तादाद में मछलियों की मौत हो गई। शनिवार दोपहर बाद अचानक मछलियों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ ही देर बाद दूर दूर तक मृतक मछलियां पानी के ऊपर तैरती दिखी। प्रवासी कामगारों को जब इसकी भनक लगी तो वे नदी किनारे पहुंचे और मछलियों को बोरियों में भर भर कर घर ले गए। बताया जा रहा है कि किसी बेलगम उद्योग द्वारा अचानक प्रदूषित जहरीला पानी नदी में बहाने से इन जल जीवों की हत्या हुई है। उद्योगों के प्रदूषित पानी से नदी का पानी भी काला हो गया था, वहीं इस पर झाग भी बना हुआ था। पर्यावरण प्रेमियों ने इस मामले को लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचना देने की कोशिश की, लेकिन शनिवार को छुट्टी होने की वजह से इनसे संपर्क नहीं हो पाया। लोग नदी से सैकड़ों टन मछलियां बोरियों में भरकर घर ले गए। वहीं जहरीले पानी में मरी मछलियों को खाने के लिए लोगों को भी बीमारी की आशंका का खतरा बना हुआ है, लेकिन प्रशासन और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। बिल्कुल काला हो चुका था, किसी ने केमिकल का पानी छोड़ा। सरकार के दावे ईटीवी प्लांट के ये सिर्फ दिखावा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये इतनी तादाद में मछलियाँ मरना इस बात का सबूत है कि लोगों से छल किया जा रहा है। ईटीवी प्लांट लगाकर वो सिर्फ पैसा बनाने की फैक्ट्री बनकर रह गई है इसमें। हाँ जी, हम इधर से यही रोड है जी, हमारा तो यही आना जाना, पैरों में फिंसी निकल जाती है कभी कुछ कभी कुछ इसी पानी की वजह से। ये काफी साल से पर आता है कि 5-6 दिन के बाद आता जा रहा है ये गंदा पानी। हाँ जी, मछलियाँ तो हर साल मरती है, काफी देर हुई है मरते हैं तो किसी ने आया नहीं, कोई मौका करके गए नहीं जी, कोई नहीं है। 40-50 हज़ार तो देके जा रहे थे, हमें दी नहीं क्यों, हमारे पास कोई गाय नहीं। तो आप हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।